दोस्तों आज हम MI Note 3 का करने वाला है रिव्यू, और जो है फ़ोन है जो एक साल से ज़्यादा यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MI का Note 3 है, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जिसमें 5.5 इंच की डिस्प्ले है, फुल HD का है, Qualcomm का 650 है, और 2 GB और 3 GB रैम है। फिलहाल जो हमारे पास है वो 3 GB रैम का है, और इसमें 16 MP का कैमरा है, 5 MP का सेल्फी कैमरा है, एंड्रॉयड का लॉलीपॉप है, और 4050 mAh की बैटरी दी गई है। और करते हैं कुछ और बातें, जैसा कि आप इस वीडियो को पॉज करके अभी इसको देख सकते हैं। और हमने नोट 4 और नोट 3 का कंपैरिजन आपको दिखा दिया है। मैंने नोट 4 का रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि जो है नोट 4 हमें लगता है कि MI नोट 3 से ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं लाऊंगा, या लाऊंगा भी तो फ्यूचर में आपको अपडेट कर दूंगा। जैसा कि बॉक्स कंटेंट में देख सकते हैं, आपको मिलता है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का एक एडाप्टर, जिससे आप फास्ट चार्जिंग तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक चार्जिंग कर सकते हैं। उसके बाद मिलती है हमें एक नॉर्मल की, जिसको आप जोड़कर जो है एक डेटा सिंक इन और चार्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक ये काफ़ी अच्छी डेटा केबल हमें मिल जाती है। बॉक्स में और कुछ मिलता नहीं था हमें, और ईयरफोन इसमें आते नहीं हैं। कर लेते हैं फ़ोन की कुछ बात। तो फ़ोन हमें देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से मिलता है। फ़ोन में हमें आगे फ्रंट की साइड जो है एक 5 MP का कैमरा मिल जाता है ऊपर की साइड, और फिर उसके बाद हमें जो है बगल में उसके ही एक कॉल का सेंसर मिल जाता है, और उसके बगल में हमें मिल जाता है एक स्पीकर कॉलिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन जो है एक रेडमी का नोट 3 है, जो कि 3 GB और 32 GB वाला फोन है। और फोन के नीचे की साइड हमें मिलता है जो है चार्जिंग का एक के चार्जिंग पोर्ट, और उसके साथ में हमें देखने को मिल जाती है एक है माइक्रोफोन। और फोन के बैक साइड में हमें मिलता है एक 16 MP का कैमरा, डुअल टोन LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट स्कैनर। नीचे की साइड हमें मिलता है एक MI का लोगो, उसके साथ ही स्पीकर ग्रिल, और राइट साइड में मिलता है हमें एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर, और लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है एक सिम ट्रे, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, और ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक कंसलेशन के लिए एक हेडफोन जैक और IR ब्लास्टर, जिससे आप अपनी TV या AC या वगैरह वगैरह काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ोन का फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। हमने अधिकतर देखा है कि फ़ोन जो है कुछ दिन यूज़ करने के बाद फिंगरप्रिंट काफ़ी स्लो हो जाते हैं, लेकिन इस फ़ोन में आपको काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और फ़ोन में मिलता है आपको 6.0 मार्शमैलो का सपोर्ट, जो कि इसमें फ़ोन में आया था हमें लॉलीपॉप, और उसके बाद हमें मार्शमैलो का अपडेट दिया गया है। नॉगेट की जानकारी हमारे पास नहीं है, और हो सकता है इसमें नॉगेट ना भी आए क्योंकि रेडमी का नोट 4 में नॉगेट फिलहाल आ चुके हैं। और जो देख सकते हैं आपको फ़ोन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। फ़ोन की बात करें तो फ़ोन हमने करीब एक साल से ज़्यादा यूज़ किया है। मैं पर्सनली यूज़ के लिए फ़ोन रखता था, हमें फ़ोन जो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से इस बजट रेंज में काफ़ी अच्छा है फ़ोन लगा, वही मैं आज आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इसका जो कैमरा है वो एक नॉर्मल कैमरा है, ज़्यादा हाई कैमरा नहीं है, नॉर्मल सी वीडियोग्राफी और फुटेज वगैरह ये ले लेता है। तो अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियो ज़्यादा पसंद है, कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो आप अदर फ़ोन भी देख सकते हैं, नहीं तो आप ये फ़ोन सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी आपकी। और बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, फ़ोन हमें एक साल में कोई प्रॉब्लम दे गया या कोई चार्जिंग पोर्ट गड़बड़ हो गया या डिस्प्ले में कोई इशू, तो दोस्तों ऐसा अभी तक हमने ना इसमें नोटिस किया, और उम्मीद है आगे भी इसमें कोई भी चीज़ की हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बैटरी लाइफ भी इसका औसम है, जो है अन्य फ़ोनों से अगर हम इसका कंपैरिजन करें या दूसरे फ़ोनों से, तो हमें बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाती है, हमें पूरा एक दिन हमारा आराम से ये निकाल देती है। और भी काफ़ी सारे फ़ोन हैं जैसे महंगे फ़ोन हैं वो भी 8 घंटे 10 घंटे नहीं चलते हैं, लेकिन इसके अच्छे इस प्राइस में इतनी अच्छी बैटरी बैकअप हमें शायद ही किसी फ़ोन में देखने को मिलेगी। और भी परफॉर्मेंस इसकी बहुत बेटर है, और यहाँ पे ऑनलाइन अगर इसकी प्राइस चेक करते हैं तो भी अभी भी ये 12,000 रुपये का फ़िलहाल मार्केट में आ रहा है। फ़िलहाल नोट 4 के आने के बाद से ये बंद किया जा चुका है, और देख सकते हैं मैं काफ़ी सारी एप्लीकेशन को इसमें ट्राई कर रहा हूँ, जो कि आप अभी देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन काफ़ी एक्यूरेट काम करती हैं, कोई भी चीज़ को अगर आपको ओपन करना है तो फटाक से वो ओपन हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसकी। 650 प्रोसेसर इस मोबाइल में, रेडमी के नोट 3 में काफ़ी पॉपुलर रहा है और बहुत अच्छा
वर्क करता है। यहाँ पास हम आपको कुछ वीडियोस वगैरह भी प्ले करके दिखा देते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम अभी देख सकते हैं आप, एवेंजर का एक ट्रेलर निकला हुआ है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ फुल ब्राइटनेस पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। व्यूइंग एंगल की बात करें तो सनलाइट में ठीक ठाक सा आपको देखने को मिल जाएगा, हालांकि कौन सनलाइट में भाई मूवी देखता है ये हमें बताना कमेंट बॉक्स में। और भाई देख सकते हैं आपको वीडियो कुछ इस तरीके से मिलती है। आप देख सकते हैं कि जो पीछे की तरफ हल्का सा जिससे मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी आपको दिख रहा होगा। तो जो है व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि व्यूइंग एंगल खराब है। और जो है फ़ोन, देखिए फ़ोन जो है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस बजट रेंज में सबसे अच्छा फ़ोन है, अगर आपको कोई भी फ़ोन चाहिए तो। वैसे अगर आप और भी फ़ोन देख सकते हैं, लेकिन इस बजट रेंज में अगर आपको अच्छा फ़ोन चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, तो आप ये फ़ोन देख सकते हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये तो एक वरदान के रूप में। यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे इसमें डुअल ऐप्स का सपोर्ट है, लाइट मोड का सपोर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें एमआई के रोम में हमें मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक स्पीड टच भी मैं कर रहा हूँ, जो कि आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें नेटवर्किंग की भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, काफ़ी अच्छे नेटवर्क आते हैं। अगर आप लो एरियाज में भी हैं तब भी आपको नेटवर्क मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ कुछ जियो की स्पीड इस तरीके से आ रही है, तो आप उसको भी आप यहाँ पास देख सकते हैं। तो ये था हमारा और Redmi Note 3 का एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।